हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं यूट्यूब सहेली चैनल। फ्रेंड्स, शुरुआती प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी को जानने की हर महिला को बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है, बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी रहती है। तो हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ढूंढते हैं कि किसी तरीके से हमें बहुत सटीक तरीके से मालूम पड़े कि क्या हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं, क्योंकि यही समय होता है महिला के पीरियड के आने का। जैसे ही पीरियड डेट मिस होती है, महिला की क्यूरोसिटी डे बाय डे बढ़ती जाती है। तो आपकी क्यूरोसिटी को शांत करने के लिए आज का वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के शुरुआती 2 हफ्तों में, 10 से 15 दिन में, जबकि आपकी डेट मिस हो चुकी होती है और डेट से थोड़ा पहले का भी समय इसमें शामिल होता है, महिला के पेट में कैसा महसूस होता है पीरियड में और प्रेग्नेंट होने में पेट के अंदर क्या डिफरेंसेस एक महिला को महसूस होते हैं, ये ज्यादातर महिलाओं में देखा गया है। तो आइए हम उन लक्षणों को जानते हैं जो कि आपको आपकी पीरियड्स और प्रेगनेंसी में फर्क को समझाएंगे। तो वो कौन सा लक्षण है और उसका कारण क्या है, हम आगे वीडियो में समझते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही एक महिला को गर्भधारण होता है, डे बाय डे प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स का स्तर बहुत तेजी से बढ़ता है। शुरुआती 12 हफ्ते में कई गुना बढ़ जाता है। तो जैसे ही प्रेगनेंसी हार्मोन का स्तर बढ़ता है, हमारे शरीर में कुछ हमें डिफरेंस, कुछ अंतर मालूम चलने लगता है और वो कई बार बहुत बारीक होता है। पहली प्रेगनेंसी में कई महिलाएं उसको समझ ही नहीं पाती हैं, क्योंकि ऐसा उन्हें पहले भी कई बार हो चुका होता है, कई बार प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की वजह से और कई बार पीरियड मिस होने के बावजूद भी कई और कारणों की वजह से, जैसे कि PCOD, थायराइड, मेटाबॉलिक सिंड्रोम इत्यादि। तो प्रेग्नेंट अगर हैं तो फिर अपनी प्रेगनेंसी को कैसे समझा जाए, अपने पेट में क्या डिफरेंस हम महसूस कर सकते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में। तो फ्रेंड्स, जैसे ही प्रेगनेंसी हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ता है, हमारा पाचन धीमा हो जाता है, पाचन की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है। ये जनरली पीरियड्स के टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता। तो पाचन की प्रक्रिया धीमी हो जाने से आपको कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, आपके पेट में फुलावट रह सकती है, आपको गैस सामान्य से ज़्यादा बनेगी। पीरियड्स आने से पहले महिलाओं को क्रैम्प होते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल क्रैम्प जिन्हें कहा जाता है। लेकिन प्रेग्नेंट अगर आप हैं तो आपकी क्रैम्प की इंटेंसिटी काफ़ी कम होगी। जैसा कि पीरियड्स में क्रैम्प होता है, उतना क्रैम्प आपको नहीं महसूस होगा। पेट में फुलावट, एक टाइटनेस, जब आप अपने पेट को टच करेंगे तो आपको एक कड़क सा एहसास होगा, थोड़ा सा पेट कड़क सा महसूस होगा, और ये केवल प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स की वजह से होता है। कॉन्स्टिपेशन का भी इसमें रोल है, गैसेस का भी इसमें रोल है, लेकिन हॉर्मोनल चेंजेस आपके पेट में आपको ऐसी फीलिंग देंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे तो फिर पीरियड से हम अपनी अर्ली प्रेगनेंसी को कैसे डिफर करें, तो वो मेन रीज़न है इंटेंसिटी ऑफ क्रैम्प। क्रैम्प की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा आपको नहीं रहेगी। साथ ही वाइट डिस्चार्ज भी एक सिम्टम होता है। जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं, वाइट डिस्चार्ज की मात्रा बढ़ जाती है, जो पीरियड्स और प्रेगनेंसी को डिफर करती है। पीरियड्स से पहले भी महिलाओं को हल्का फुल्का वाइट डिस्चार्ज आता है, लेकिन प्रेग्नेंट होते ही उसकी मात्रा पीरियड की तुलना में बढ़ जाती है। यह भी एक प्रमुख लक्षण है जो आप अपने शरीर में महसूस कर सकती हैं। पेट में भारीपन होने की वजह से आपको बार बार यूरिन आ सकता है, क्योंकि ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है, आपकी इंटेस्टाइन जल्दी खाली नहीं हो रही हैं, तो आपके ब्लैडर पे, पेशाब की थैली पे दबाव रहता है, तो उससे आपको बार बार यूरिन आ सकता है। और इसके अलावा अन्य कई प्रेगनेंसी सिम्टम्स पे मैंने आप सभी के लिए वीडियो बनाए हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि साइंटिफिक लॉजिक, बॉडी का मेकानिज़म, हर चीज़ उसमें बताई है। तो इस सभी चीज़ों को जानकर समझकर आप अपनी प्रेगनेंसी और पीरियड के अंतर को समझ पाएंगी और अपनी अर्ली प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट कर पाएंगी। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। सो इसी तरह बने रहिएगा, लेकिन साथ ही आप मुझे यूट्यूब मॉम चैनल पे भी जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि वहां पर प्रेगनेंसी केयर और बेबी केयर से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। इसी तरह मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।